झारखंड में एक मंदिर है जहां मूर्तियां आपस में रात को बात करती हैं। तो मंदिर में जो भी मूर्तियां हैं वो मूर्तियां आपस में बात करती हैं। तो झारखंड में है ऐसा मंदिर। तो ये मूर्तियां आपस में कैसे बात करेगी वो बात समझाता हूँ। और वो आवाज, बात करने वाला आवाज, साइंस वालों ने वहां साधन रखे तो उसका आवाज भी रिकॉर्ड हुआ अपनी, मतलब झारखंड वाली भाषा में। वो मूर्तियां जो देवी देवता वाली होगी, आत्माएं, जिन जिन की मूर्तियां हैं वो उनके जो आकारी रूप होते हैं, जो भी देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं उनके आकारी रूप होते हैं, वो आकारी रूप ही वो मूर्तियों में प्रवेश करके वो बात करते हैं। तो लगता है कि मूर्तियां बात कर रही हैं मगर वो आकारी रूप होते हैं देवी देवताओं के। वो आकारी रूप प्रवेश करते, वो बात करते हैं, और बात करते हैं तो फिर थोड़ा आवाज तो आता ही है, थोड़ा संकल्पों का। तो साइंस वालों के पास जो साधन है वो संकल्पों की भाषा का रिकॉर्डिंग है, वो उनमें आता है, मगर वो भाषा उनके देवी देवताओं की अलग भाषा होती है, सभी की 33 कोटि देवी देवता जहाँ है उनकी भाषा सबकी अलग अलग होती है, एक भाषा नहीं होती। कि झारखंड वाले भी देवी देवता वाले होंगे तो झारखंड वाली भाषा होगी ऐसा जरूरी नहीं है। जो देवी देवता जहाँ उनको लास्ट में वो साकारी रूप में, वो भी मनुष्य रूप में आए होंगे वो देवी देवता, तब उसकी मूर्तियाँ बनी है ना। साकार में जब आए हैं पहले, चाहे लाखों साल करोड़ों साल पहले आए हैं और उनकी मूर्तियाँ बनी है, तो साकार में आए हैं तब मूर्तियां बनी हैं। चाहे उसके ग्राम देवता हो, चाहे शहर के देवता हो, चाहे अलग अलग जो संस्कृति हुई इनको आधार से वो देवी देवता बनते हैं। तो ये सभी उनके हिसाब से उनकी भाषा भी होती है, अलग अलग बहुत होती है। 33 कोटि देवी देवताओं की जो साकार में मनुष्य रूप में आते हैं देवी देवता, फिर वो अपनी भाषा लास्ट में अडप्ट करते हैं तो वो भी भूल जाते हैं, फिर ओरिजिनल वो ऊपर के लोक में भी जाते हैं तो वो वहाँ की भाषा होती है। जैसे ऊपर के लोक में, भूर्व लोक में गांधर किन्नर यक्ष रहते हैं, तो वो भी अलग अलग भाषाओं लेके धरती पर मनुष्य अवतार में आती है, तो उनकी भाषा अलग अलग होती है, मगर धरती की भाषा और उनकी भाषा में फर्क होता है, इसलिए मिक्स वाली भाषा एडोप्ट करते हैं। तो वो भाषाएं मिक्स हो जाती हैं तो वो साइंस के साधन में रिकॉर्डिंग हुआ मगर वो भाषा समझ नहीं पाए। तो रिकॉर्डिंग कैसे हुआ, साइंस के साधन में रिकॉर्डिंग कैसे हुआ? तो वो मूर्तियां सूक्ष्म रूप में जो बात करती है तो हल्की से आवाज़ निकलती है संकल्पों में, संकल्पों में आवाज़ जो निकलती है वो रिकॉर्डिंग हो जाती है, इसलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे अलग अलग मंदिरों में भी बहुत अनोखा होता है, हर कोई मंदिरों में अलग अलग साक्षात्कार अलग अलग होता ही है। तो ये सभी बातें, जैसे कृष्ण के मंदिर में जो गोकुल में कृष्ण का मंदिर है, उसमें जो कृष्ण के गोप गोपियाँ रात में आते हैं और वहाँ रासलीला करते हैं, तो वो लोग कोई देख ले उसको तो फिर वो पागल हो जाता है, देख नहीं सकता। उसके पास ऊपर से लोक से आते हैं तो उसके पास दिव्य स्वरूप होता है, तो दिव्य स्वरूप देखने की शक्ति तो मिल जाती है वहाँ वायुमंडल में है तो, मगर देखने के बाद पागल हो जाता है या तो अपनी मेमोरी लॉस हो जाती है उसको। तो ये देवी देवताओं की बातें बहुत बहुत अलौकिक बातें होती है, साधारण बातें नहीं होती और साइंस के साधन प्रूफ नहीं कर सकते उसको। Join us daily for our morning life meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो